बाहर खड़े खातिन हजरात से अगर अहबाब दरख्वास्त कर रहे हैं कि अंदर तशरीफ ले आए। इल्म बढ़ता है तो बढ़ जाती है हर चीज की प्यास। प्यास है असल में तारीकी दौरा का चिराग है, इसी प्यास पे शादाब ये इल्म की असास। सवाल जवाब सेशन शुरू करते हैं। मैं भरपूर माजरत के साथ उन तमाम रफाका से पेशगी माजरत करता हूं जिनके सवाल नहीं बोले जाएंगे। एक तो वक्त की कमी, क्योंकि प्रोफेसर साहब की फ्लाइट है इस लेक्चर के बाद, और दूसरा कई सवाल जो है पहले लेक्चर्स में आ चुके हैं जो कि किताब इस रूप में सीडीज पे इंटरनेट पे हर जगह दस्तियाब है, तो कोशिश की जाएगी कि नए सवाल और नए जिद्दत ख्याल को तरजीह दी जाए। सर पहला सवाल एक बहुत अजीम मुफक्किर और दानिश्वर आज के जमाने में जिनके बहुत मशहूर हैं, उनके वो हमारी खसूसी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए, वैदुल्ला बेग साहब ने भेजा है कि आपके थीसिस के मुताबिक इंसानी नस्ल का इर्तका और बढ़ोती मरलावार मुख्तलिफ एजेस से हुआ, लेकिन आदम के तस्वर आफाकी में तो किसी होमोसेपियन का तस्वर नहीं। योर कमेंट सुन रहे हैं। आदम के तस्वर आफाकी में किसी होमोसेपियन का तस्वर नहीं। मेरी समाज का कहना ही चाह रहे हैं कि वो होमोसेपियन से अगर नस्ले इंसानी की बढ़ोती मुराद ली जाए, आगे उसकी एक्सटेंशन वहां से शुरू की जाए, तो आफाकी तस्वर तो हमें आदम का बताता है और कोई ऐसा होमोसेपियन का जिक्र नहीं करता। जी असल में ये ऐसा मौजू है कि डार्विनियन कॉन्सेप्ट से लेकर ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज से लेकर आपको ये पैरेलल चीजें नजर आएंगी कुरान हकीम में। एक तरफ स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी नजर आएगी, एक तरफ आपको बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थ्योरी कुरान शरीफ में नजर आएगी। हालात अल इंसान हीन मिन तहर लम यकुन शय मस्कुरा, बिलाशुबा करनहा कर्म इंसान पर जमाने में एक ऐसा वक्त गुजरा कि वो कोई काबिल जिक्र शायर न था। इन्ना खलक नल इंसान मिन नुतफत अमशाज, हमने फिर इंसान को दोहरे मखलूत पैदा शुरू या सुनने से पैदा किया। अब अगर यहां देखिए तो आपको पहली स्टेज जो है तखलीक की नजर आती है कि सिंगल सेल की है, कि जब हमने इंसान को दोहरे मखलूक नुतफे से पैदा करना शुरू किया तो ये एक कायनाती दो स्टेज जमीन की दो बड़ी स्टेजेस की तरफ निशानदेही करता है। पहली स्टेज सिंगल सेल की है, काबले कद्र शय नहीं, जिसके बहुत पुराने जो आशनाए फितरत हैं साइंसदान हैं वो कहते हैं कि हो सकता है इंसान किसी एलजाई की शक्ल में, किसी मामूली सी काई की शक्ल में जमाने में किसी चीज के साथ वाबस्ता हो, अव्वलीन जस्मे हयात की शक्ल हो जब इंसान बना। और फिर अल्लाह कहता है कि मैंने इसे दोहरे नुतफे से पैदा करना शुरू कर दिया। अगर आप गौर करें तो इस पहले जरसूमे की शक्ल अब भी हमारे जिस्म में मौजूद है, जिसे आप अमीबा प्रोटीज कहते हैं या जिसकी वजह से अमीबिक डाइसेंट्री वजूद में आती है। एक सिंगुलर सेल है और एक दौर जिंदगी का ऐसे गुजरा है जो सिंगुलर सेल से स्टार्ट हुआ, इसमें पैरामिशिया भी है अमीबा भी है और ये सिंगल सेल है। इन्ना खलक न इंसान हमें नुतफा थी नम शायन, फिर हमने दोहरा कर दिया नुतफा, मेल और फीमेल जुदा होने शुरू हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव का इंतजार शुरू हुआ। मगर क्या अभी इसको किसी तरीके से इंसान कहा जा सकता था? नहीं, क्योंकि कुरान पहले कह चुका है कि ना काबिले जिक्र शायद था। फरमा ले नब तली, हमने फिर इसे आगे बढ़ा जांच परख के लिए, आजमाइश के लिए, देखने के लिए।
कि ये नुतफा आगे जाकर ये जसुमा हयात जो हमने बड़ी स्पेशली तख्लीक किया था ये आगे जाके क्या करता ले नबतली फजालना और समी हम बसीरा। तो आप हैरान होंगे कि खुदा ये कहता कि मैंने पहले इसको समात के सिस्टम दिया फिर इसको बशारत के सिस्टम दिया। बशारत एक पेचीदा अमल था और हकीकत ये है कि इस वक्त भी इस इब्तदाई हयात के नमूने अब भी हमारे अंदर मौजूद हैं। लेना तली है फजाल ना वो समी बसीरा। एक क्वेश्चन नेचुरली पैदा होता है कि क्या अब इंसान इस काबिल हो गया था, यानी जसुमा अव्वल की हैसियत से फिर ये मखलूक जसुमे की हैसियत से फिर इसके बाकी सिस्टम डेवलप हुए, समात के सिस्टम डेवलप हुए फिर बसारत के सिस्टम डेवलप हुए, तो क्या ये इस काबिल हो गया था कि इसको हम आदम कह सके? नहीं, अभी भी नहीं हुआ था। अल्लाह कहता है इन्ना हदीना सबीला, अब हमने इसको रास्ता दिया, अकल दी, रोशनी दी, हिदायत दी, इसके बाद हमने इस पे टेस्ट लागू कर दिया। इम्मा शाकिर वा इम्मा कफूरा, चाहो तो हमें मानो चाहो तो हमारा इनकार कर। खातिर हजरात सबसे बड़ी जो डाइकोटमी नजर आती है फेथ में और साइंस में बजाहिर वो ये है कि ऊपर से उतरा हुआ इंसान कौन है और जमीन से उभरता हुआ इंसान कौन और कहां इनका मिसाले तबई होता। तो जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर के आदि में कहा कि ऊपर तो आदम एक स्पिरिचुअल प्रोटोटाइप था और नीचे एक फिजिकल प्रोटोटाइप था। जब मकसूद खातिर हुआ साहिब कायनात तो उन्होंने ऊपर के प्रोटोटाइप को नीचे उतर दिया। कुल नहदत बादुकुम लिबादिन वलकुम फिदर से मुस्तकर वमताउ इला। अगर आप गौर करें आज भी यही होता, आज भी यही होता। अगर आपको हदीस रसूल याद हो कि वो 120 दिन के बाद 120 दिन के बाद इंसान के बदन में डाली जाती एक फिजिकल हजूला बॉडी फैक्टर वो तो नीचे मौजूद होता है या वो फिजिकली मां के पेट में बनता है, मगर हिसाब और किताब के लिए वो जिसको अल्लाह का इन्ना हादे ने वो समीरा कैपेसिटी ऑफ क्राउड ट्रांसफर करने के लिए जजमेंट ट्रांसफर करने के लिए 120 दिन का तवक्कुफ बनता जाता है। फिर रूह आसमान बाला से उसमें मुंतकिल की जाती है और बजाय अब कुरान ने कहीं भी इब्तदाई इंसान को आदम नहीं कहा, इंसान कहा। आदम उसने उसको कहा है जो स्पिरिचुअल प्रोटोटाइप आसमान पे बिल्ड हो रहा था। दोनों के मिक्सअप के बाद ये बनी आदम भी कहलाते हैं, इंसान भी कहलाते हैं और यहीं से सारी प्रोग्रेस आगे शुरू हुई। टिल द बॉडी वॉज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन, Till the human body was not fit enough. अगर आप गौर करो तो जब होमिनिड्स को देखते हैं पुराने प्राइमेट्स से ये इनहराफ शुरू हुआ है। फर्स्ट एवर क्रिएशन जिसपे इंसान होने का गुमान होता है वो प्राइमेट्स है। ये 80 करोड़ साल तक फर्स्ट एवर बींग जिनपे गुमान होता है कि ये इंसान हो सकते हैं या हो सकते थे ये प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स के बाद हमें होमिनिड्स इनको आगे बढ़ के इसलिए कहते हैं कि इनका कुछ न कुछ सरापा जो है इंसानों से मिलना शुरू हो। हजरत हजरत अगर आज भी आप ख्वाबों में देखें तो आपको एक बड़ा बड़बड़ा सी फिगर नजर आती है। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए जो आप आजकल अंग्रेजी एलियन फिल्में बना रहे हैं, जितने भी फिल्में बन रही है तो आपने देखा होगा कि अंडे सारे सेल लपूतरे ये आगे बढ़ते हुए जब आप इंसानी प्रोग्रेस देखते हैं तो ब्रेन की ये फॉर्मेशन स्कल का ये एटीट्यूड हमें मुद्दतों साल साली सदियों में नजर आता है। इंसान इसी तरह डेवलप होता चला आता है और उसमें हमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती जिसके हम इसे इंसान कह सके। ये इतना स्पेसिफिक प्रोसेस है कि
نیاندرتھل ہیومن بینگ میں اگرچہ دماغ زیادہ ہے، اگرچہ نیاندرتھل میں ہومونیڈز میں دماغ زیادہ ہے ہومو سیپینس، اس کے باوجود یہ انسان کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، بلکہ بالکل خاص جین ہے جو ٹرانسفر کرتا ہوا بالآخر انسان مکمل میں اور اوپر سے آدم کے لیے تیار ہو رہا ہے، جسے ہم اونلی آفٹر دی فورتھ ہائی دیکھتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ ابتدائی حیات کی افزائش کو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں نے انسان کو زمین سے اگایا، تو لفظ نبات استعمال کرتا ہے کہ جس طرح باقی چیزوں کو اگایا، میں نے زمین سے انسان کو اگایا. مگر جب اسپیشل کریشن بنایا تو یہ اٹ واز اے کمبینیشن آف دی سائیکک اینڈ دی فزیکل، اور یہ دونوں وجود آج بھی اس میں ایک انٹرفیئرنس جاری ہے کہ وجود زمین پہ بن رہا ہوتا ہے اور ارواح جو ہے آسمان سے آ رہی ہوتی ہیں. اگر ایک اسپرچل سائیکک اور عقلی وجود ہے تو ایک فزیکل میٹیریل وجود ہے، دونوں کے مل جانے سے پھر آج کا انسان بھی بن رہا ہے اور پچھلا انسان بھی بن رہا تھا. بہت شکریہ ہمارے احباب جو انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں. کینیڈا سے احسن بٹ صاحب نے ایک کوئسچن بھیجا ہے. استاد محترم، یو مینشن اللہ سیز دیٹ آفٹر گیونگ دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹو ہیومنز، اللہ سیٹ چاہو تو میرا اقرار کرو چاہو تو انکار کرو، وتھ یور فری ول then why have so many nations been destroyed? Well, I mean, so this is a matter of understanding. فرض کرو میں ایک شخص ہے، اس کو کہتا ہوں کہ یہ میرا میسج ہے، یہ آپ لاہور تک پہنچا دو. میں اسے پیسے دیتا ہوں، کہتا ہوں فلاں ہوٹل میں ٹھہرنا آسانی آسائش سے، ضرورت پڑے وقفہ لگے کر فلم بھی دیکھ لینا، رات کو جا کسی اچھے سنیما میں کھانا اچھی جگہ کھانا کی مار نہ پڑ جانا کہیں، اور آسائش میں دو چار باغات کی بھی سیر کر لینا. بٹ یہ میسج ضرور پہنچا دیا. اب وہ صاحب جو ہے آ جاتے ہیں میرے پاس، کو ہفتہ ہی گزارنے کے بعد کہیں بڑا انجوائے کیا، لاہور از اے ونڈرفل سٹی، فاؤنڈ سو مینی بیوٹیفل تھنگز، کمال کا جی شاری مال باپ کا تو جواب بھی کوئی نہیں. پھر وہ آتے ہیں جی فلاں پلازا میں فلم دیں گی. اب میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ شریف آدمی نے کہ میں نے لیٹر ڈلیور کر، آخر میں جا کر ارشاد فرماتے ہیں صاحب میں نے یہ سارا وقت بہت ہی انجوائے کیا، افسوس کہ آئی کڈ ناٹ ڈلیور دی لیٹر. تو پھر آپ سوچو میرا حال کیا ہوگا. اب اللہ نے جتنا جبر قدر ہے یہ پروٹوکول، اور انسان اللہ کا کوئی جبر انسان کے مخالف نہیں. جبر کی دو تعریفیں ہیں، ایک بہت اچھے انٹیلیجنٹ فلاسفر نے دی ہے، اور ایک جو ہے میں اپنی طرف سے آپ کو جو آج پیش کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ جبر جو ہے اس کا مطلب ہے ایک لمحے زمانہ کو ایک جگہ میں قید کر، اگر یہ جگہ نہ ہو، یہ زمانہ نہ ہو، اس ٹائم کو قید نہ کیا جائے تو ہم زمانے میں کسی سے کبھی مل ہی نہیں سکتے. تو جب خدا جبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کو ایک سچویشن میں ایسے سمونا کہ وہ آپ کے لیے ایک بینیفیشل یا نقصان دے یا کوئی سچویشن بن، ایک واقعہ بن. بٹ میرے نزدیک تھوڑی سی ڈفرینس ہی بات ہے. میرے لیے جبر ایک آسان سی چیز ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے ایک کام آپ کو دے دیا تھا، کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان ہدین و سبیلا، میں نے تمہیں رستہ بخشا، ہدایت بخشی، عقل دی، روشنی دی، اما شاکر اما اما کفورا، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو، یہ تمہارا چوائس ہے، کوئی جبر نہیں اس میں، جبر نہیں ہے. مگر باقی چیزیں جبر. بڑے کمیونسٹ دانشور نے کہا تھا کہ یار ہم برابری کی باتیں تو کرتے ہیں، ایکول ڈسٹریبیوشن کی باتیں بھی کرتے ہیں، ایکول چانسز کی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ نہ انسان کا آغاز ہمارے بس میں ہے نہ انجام ہمارے بس میں. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر. فیکٹ یہ ہے کہ
एक इंसान के पास अव्वलीन चॉइस ही नहीं है कि उसने किस माँ बाप के घर पैदा होना है, कौन उसके बहन भाई होंगे, कौन माहौल होगा। नॉर्मली थ्री पैटर्न से गुजारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज कहूँ कि इंसानों को फ्री चॉइस दे दिया जाए तो हर आदमी ये कहेगा कि या तो मैं बिल गेट के घर पैदा हूँ या प्रिंस तलाल के घर पैदा हूँ, तो हमारे घर पैदा होना कोई मजा नहीं करेगा। ये जो पैटर्न्स बनाए रहते हैं आजमाइश फिक्र के लिए, गुंजाइश के लिए, इंसानों की सहूलत के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गरीब आदमी बेचारा क्यों परेशान है, व्हाई शुड ही सफर ऑल दिस। गरीब के घर पैदा होने से क्या मतलब है, अमीर के घर पैदा होने से क्या मतलब। इब्तला का प्रॉब्लम करने के लिए अल्लाह सब करता है। अल्लाह ने तीन तरीके जिंदगी और आजमाइश ब्रॉडली रखे हैं, एक आसानी का रखा है, एक दुश्वारी रखा है, एक दरमियान का रखा है। पर्पज इज के एक में सलाहियत। आपने कभी सुना एक बड़ा मशहूर जुमला है कि एडवर्सिटी इज द स्कूल ऑफ ऑल ग्रेटनेस, सुना आपने? ये मुत्तफिक फैसला है कि गुर्बत अजमत का गहराना है, एडवर्सिटी इज द स्कूल ऑफ ऑल ग्रेटनेस। फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आए गरीब लोग, क्या तुम चॉइस दोगे कि तुम गुर्बत में पढ़ो और अजीम इंसान हो, आप ऐसे कोई भी नहीं चाहो। तो ये फोर्सेबल चॉइस है। फर्ज करो मैं किसी अमीर से कहूं कि यार तुझे दुनिया की हर सहूलत मिलेगी मगर तू बीमारी से कभी नहीं आजाद होगा, तेरी निजात के रास्ते मसदूद है, तेरा नर्वस सिस्टम हमेशा खराब रहेगा, क्या तू दौलत छोड़ता है, तू कभी भी नहीं छोड़ेगा। सो दीज आर दी पोस्ट जबरिया एंड है जिसमें से इंसान तीनों इंसान हो। अब देखिए दरमियान वाले की क्या मुसीबत, लगता है वो बड़े फायदे में, वो ऊपर देखता है तो जलता है, नीचे देखता है तो गुरूर करता है। उसकी आजमाइश के पहलू ये दो काम नहीं। हर इंसान को एक पैटर्न और ट्रायल में से गुजारने के लिए मुख्तलिफ तरीके और नहज सेट की जाती है। उसको रिजल्ट दिया जाता है, माँ बाप दी जाते हैं, जॉब दी जाए। हमारी गलती ये है, द बिगेस्ट मिस्टेक इज कि हम इन्हें ओन करके अपने कारनामे सर अंजाम देते हैं। हमें आपको जबर की छोटी सी बात, 13 लाख जीनस है जमीन पर, 13 लाख अक्साम जिंदगी है, उनमें से आप एक किस्म है, आउट ऑफ 1.3 मिलियन। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप अपने सेवा भी किसी को क्रेडिट देते हो, ये सोचता है अपना रिस्क कमाता है, खाता है, पीता है, एनीथिंग एल्स जो आपके लिए अकल रखता हो, तकबराते अकल रखता हो, जिसके इतनी फालियत हो, जो अपनी जिंदगी के रास्ते चुन सकता हो, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़ सकता हो, जिसको कंप्यूटर की हाई स्टडीज हासिल हो जाए, जो अपने पेशे के इंतखाब करने के बाद ये कहे कि नाउ आई एम इन टू वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ एजुकेशन और मुझे इतनी रकम चाहिए, मुझे ये, मैं दौलत कमा रहा हूँ, ये कारखाना लगा रहा हूँ, क्या बाकी 13 लाख जीनस में भी कोई ऐसा जीनस है। मुझे याद आती है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बात कि जब वो चल रहे थे तो यूहन्ना 7 साल का था, तो यूहन्ना को पोटली देख के तो हजरत ईसा ने कहा कि यूहन्ना ये आप क्या लिए फिरते हो, फरमाया या नबी अल्लाह ये 2 रोटियां। कहा 2 क्यों यूहन्ना, कहा नबी अल्लाह एक तो आज के लिए एक कल के लिए। तो हजरत ईसा ने फरमाया यूहन्ना तुमने तवक्कल में हमें परिंदों से भी नीचे गिरा दिया, किसी परिंदे में के घोंसले में भी 2 वक्त का रिस्क देखा, एक को पैंक और समंदर की मछलियों के हवाले कर और एक को आगा आगा कर सुबह के लिए आधी शाम के लिए रख, ताकि फिर तू तवक्कल का मजा चख सके। हमें सबसे बड़ा अलमिया ये दरपेश होता है कि हम हर मरतबा खुदा की बातों में गुरगुटा लड़ा रहे हैं। हम समझते हैं हम रोटी कमा रहे हैं, हम तालीम हासिल कर रहे हैं, हम बच्चे हमें। अगर आप लिटरल फेथ देखो तो ये है, नहीं, जिंदगी अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है, बच्चे अल्लाह देता है, बीवी खामन अल्लाह देता है, वो तईज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। अगर ये सारे हर्ज समेट लिए जाए तो इंसान के जिम्मे क्या बचता है, तो खातिर हजरात इंसान के जिम्मे
कि असबाब मैं दे रहा हूँ, आसानियां मैं दे रहा हूँ, जिंदगी की गुजर मैं आपको दे रहा हूँ, तुम्हारा सिर्फ एक काम है इस दुनिया से गुजरते हुए ये जजमेंट करो इन्ना हदैना वस्सबीला इम्मा शाकिर वा इम्मा कफूरा। मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, मुझे माना कि नहीं माना, जिंदगी के शराब से गुजरते हुए हकीकत परवरदिगार का एहसास हुआ कि नहीं हुआ, अल्लाह पूछता नहीं है। कमला इम्तहान में कोई आप पर पूछ रहे नकल मारो चाहे जो मर्जी करो, जो मर्जी करो अल्लाह नहीं पूछेगा, मगर जब कब्र पे आओगे तो ये सवाल दोहराया जाए, पूछा जाए, खाए पियाए पढ़ाए सैर कराए फिल्में देखाए मन रखो का तुम्हारा रब कौन। इस सवाल से जो अल्लाह कब्र के और कब्र को मैंने करें जीना समय का दो काउंटर गैलेक्सीज के दरवाजे पे आकर अल्लाह आपसे सवाल करता है कि मियां हो आयो फायदा उठायो अब बताओ तुम्हारा रब कौन। अभी कल एक सवाल कर रहे थे कि जनाब सबने मरना है इबादत, सब भी अच्छे लोग हैं, हिंदू भी अच्छे लोग क्रिश्चियन भी, कब्र तक पहुंचा के सवाल कर लो, पहुंचाओ उनको सबको, पूछो तो सही हिंदू से पूछ लो कि जब वो कहेगा मन रब होगा तुम्हारा कौन है खुदा तो आगे से क्या जवाब आएगा, शिवा विष्णु सरस्वती लक्ष्मी है जंगल ऑफ गॉड इनका से। मेरे को ये तो उन पर तरस आता है, इतना बड़ा कंफ्यूजन तो किसी को भी नहीं होगा जितना उन पर चारों को होगा। अब क्रिश्चियन आ रहे हैं अल्लाह ने पूछे भाई क्या मसला है तुम्हारा, तुम्हारा नाम कौन था, कुछ समय नहीं, मैं नहीं थी मदर, मैं भी नहीं फादर, मैं भी नहीं सन, मैं भी नहीं होली गोस्ट। अब ये देखो आसानी तो बड़ी है मुसलमान के लिए, मगर अफसोस के मुसलमान से भी गलती हो रही। अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपको चॉइस नहीं है, आपकी दीनी फहमो फिलासफ नहीं है तो आपने पता क्या कहना है। हाँ सुना था, आप मां कह रही थी अल्लाह को है, आप पानी भी कहा, एक तो मौलवी साहब ने भी ऐलान किया है कोई अल्लाह है। खातिर हजरात ये बात याद रखिए कि यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, ये मेन क्वेश्चन है, इसी पे असास जिंदगी है, इसी पे रिवाइवल है, इसी पे सर्वाइवल है। इसलिए आपको ये सवाल नहीं भूलना चाहिए कि हजूर ग्रामी मरतबत ने फरमाया अफजलुज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कम अज कम एक आध तस्बीह करने की पढ़ लिया करो, न भी यकीन आ जाए मुंह से निकल तो जाएगा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब मुंह से निकल जाएगा ना तो खुदा आवाज देगा, जजमेंट वाला आवाज देगा, मेरे बंदे ने सही कहा। और इधर से खिड़की देखो तुम्हारी वो मंजिल है, दो बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग रोड चल रही होंगी, एक तरफ आपको जन्नत की तमाम खूबसूरत गैलेक्सियों के चमकदार शानदार गैलेक्सियों के रास्ते नजर आएंगे, जन्नत छोटी सी नहीं है, फरमाया मेरी जन्नत का तुम क्या गुमान कर सकते, अर्ज व समावात व अर्ज, मेरी जन्नत की चौड़ाई सातों आसमानों और जमीनों की लंबाई से भी ज्यादा है। एक तरफ वो गैलेक्सी खुल जाएगी और आपको पता जानवर कितनी है, पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जन्नत इतनी बड़ी है तो जानवरों का, फरमाया जब दिन तलू होता है तो शाम का और रात का होती है। देखो बड़ी अजीब सी बात हजूर ने फरमाया कि जब दिन तलू होता है तो रात का होती है, हालांकि एक ही जमीन पे दो कैफियत, एक ही जमीन पर रात भी इसी जमीन पर होती है, दिन भी इसी जमीन पर होता है। तो ख्याल लगे हुजूर ने क्या बात है, सच पूछो तो जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे ना तो जमाले परवरदिगार के तबस्सुम से आपकी तमाम गैलेक्सी जो है वो जन्नत बन जाए और उसके हिजाब से वो जहन्नुम बन जाए। खिजा
शहीदे तबस्सुम हुई बहार हुई, खिजा शहीदे तबस्सुम हुई बहार हुई, बहार नजरे तगाफुल हुई खजांट है। ये हाल है कि जिन अल्लाह का चेहरा है वो बहार है। वलिल्लाह المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, और अल्लाह बहुत वसतों वाला है। तो ट्राई टू सिंपल है कि जबर कदर के कोई मानी नहीं है, खाओ पियो अपने इत्तेदार से जिंदगी गुजारो, सिर्फ एक चीज को संभाले रखो, द पर्पज ऑफ लाइफ एंड डेथ इज ओनली टू नो गॉड, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे यू हैव टू लिव ऑन दिस अर्थ, वरना इस बेमजा बेजायका अफसरदा खातर जिंदगी को पता नहीं आप तुम अपने कानों का बोझ से समझ के घसीट रहे। वो मैं रही है सितम हाय रोजगार रहा, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। सर एक दुखी दर्द की सलाह आई है, बहुत मुख्तसर मगर बहुत जामे सवाल, अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे करें? बहुत सारे दर्जा पे फिक्र होते हैं और अल्लाह ताला की मोहब्बत हर दर्जे पे अवेलेबल और नसीब होती है। एक बात लाजिम है कि मैंने अल्लाह को नहीं बनाया, कम अज कम आप भी मेरे साथ एग्री करो, इसमें कंफ्यूजन कोई भी नहीं है कि मैंने नहीं अल्लाह को तस्लीम किया, अल्लाह ने मुझे तस्लीम किया। तो मुझे ये देखना पड़ता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी। वो जो एक शायर ने कहा ना फारसी के, मरार आकाश के माधर नजार है, काश के मुझे मान आ जाते, मैं इस अजाब सवाब की दुनिया से गुजर जाता, मेरा कसूर क्या था? भाई आपने मुझे बनाया क्यों, अल्लाह से सवाल होता है खामखाई, मेरा तो आपने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया ना, मुझे तो बैलेंस में डाल दिया, अच्छाई बुराई के बैलेंस में, जन्नत और जहन्नुम के बैलेंस। खुदा ने कोई पता था कि उसने आपको एक एडवांटेज नहीं दिया, लेकिन अपनी मर्जी से आपने पैदा किया। ग्यारह बंदे के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो गई, नॉट विद देयर ओन विल, चॉइस नहीं होता है। हम शुरू से कहते हैं हम तैयार हैं, आओ हमें पैदा करो, हम तो खुदावंद करीम ने इस लैक ऑफ चॉइस के बदले एक बहुत बड़ा एडवांस इमेंस है। उसने कहा ऐ इंसान, मैंने तेरे मुकद्दर में जहन्नुम नहीं लिखी, उसने कहा मैंने तेरे मुकद्दर में जहन्नुम नहीं लिखी, मैंने लिख दिया कि मेरी सिफात आलिया में से सबसे पहली सिफत अलावा कातबा आला नफ्से लामा, कि मेरी तमाम सिफात पर चाहे जैसे भी एक रहमत को आउट रूल करेगी बाकी तमाम सिफात को, और ऐ इंसान ऐ ह्यूमन बीइंग, मैं हर सूरत में तुम पर रहम फरमाऊंगा और तुम पर रहमत का नजूर फरमाऊंगा। इज देयर एनी सेंसिबल मैन आप में से कोई शख्स हो सकता है कि रहमत में जानू हो सकती? जब उसने ये कहा कि मैं हर हाल में अपनी रहमत को अपनी तमाम से बात पर गलबा लूंगा, तो मुझे जरा सोच ये बता दीजिए कि रहमत में कभी अजाब दोजख या जहन्नुम हो सकती है? तो फाइनलिटी ये कि अल्लाह ताला ने उस एक चीज के बदले कि हमारा चॉइस नहीं था, हमें एक बहुत बड़े कर्म से निवाज दिया, और वो ये था कि मैं तुम पे हर हाल में रहम करूं। फिर उसने कहा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, सुनो तुम बड़े गुनाहगार हो गए, बड़ी खताएं करोगे, इसराफ करोगे, जायज चीजों को नाजायज खर्चो, मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए सलाहियतें बख्शी, तुम कहीं और खर्च हो, ये करोगे तुम? कहा है पैगंबर इनको बता दे कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। देखिए वही बात कि जो मर्जी करते रहो मगर देखना मेरी रहमत से मायूस न हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। वाय क्योंकि आपने रहमत से क्या वसफ हमें देना है,
فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, آئی فارگیو یور ٹوٹل سینس. لفظ جميعا ایبسولوٹزم ہے, اور ویسے بھی حضرات گرام یہ دو چار دن کی گنا, 60 برس کے گنا, چنگیز اعظم کے گنا, امیر تیمور پر لاش کے گنا, یہ سارے آخر اس قابل ہیں کہ بلینز اور ٹریلین سالوں پہ محیط اللہ کی رحمت پہ غالب آ جائے. کتنا افسر سا تھا, کتنا فضول سا تھا. ایک انفینٹی میں جا رہی ہے چیز, لا فرق ہے, لا محدود ہے, بے انداز ہے, بے کرام ہے. اور دوسری تو آپ کے گناہ کتنے ہوں گے, بڑے پڑھنے خان ہوا بندہ نے دو چار برس بڑی تعداد سے, بڑھاپے میں ویسے ہی گناہ ختم ہو گئے, بچپن میں ویسے ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ دو چار برسوں کے گناہوں کو اتنی اہمیت دے دو کہ خدا کی رحمت پر دسترازی کر دو, جب یہ کہہ دو کہ اللہ میاں میرے گناہ بڑے ہیں تو نہیں بخشے گا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنی کمی اور بیشی کو خدا کے حوالے سے دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں. اللہ کے رسول کا اشارہ ہے کہ خبردار, اپنے نفس کو خبیث نہ کہو, سست کہو, خبیث نہ کہو, یہ برا نہیں ہے. اسی نے آپ کو منزل تک پہنچانا, یہی لوامہ, یہی امارہ, یہی مطمئنہ. اتنا برا نہ کہو کہ یہ ساتھ لے کے پھر یہ چلے گا, یہ آگے سے جواب کرے ٹھیک ہے یار, اگر میں اتنا برا ہوں تو مجھے برا ہی لگے. ڈیسپریشن میں نہ ڈالو اس کو, اس کو ڈیسپریٹ نہ کرو. ریسپیکٹیبلٹی اپنی ضائع نہ کرو, گناہ کو تعمیل میں نہ ڈالو. سب سے عقل مند ہوا جو اپنی خطا کی تعمیل نہیں کرتا. یس اف از بیڈ, اف از ڈن سم تھنگ بیڈ, ہی شوڈ سے آئی ہیو ڈن, کسی کو رکھوں گا میں اپنی خطا کاریوں سے یاد حاصل کروں گا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہتے کلا عمر ہی دے دو, میں کہ یار کیوں دے رہے ہو, کہتے جب سے توبہ کیا ہے کلا عمر ہی دے رہے ہو. میں کہ یار تجھے اللہ کے رسول پہ اعتبار نہیں, کہ میں کہ اللہ کے رسول کا تو ارشاد یہ ہے کہ جس نے توبہ کی وہ مان کے پیٹ سے تازہ جنا گیا, تجھے اعتبار نہیں ہے اللہ کے رسول پہ, تو یہ کلائے عمری کے چکر میں دے رہا. کہتے میں ساری پچھلی نمازیں لوٹا رہا. اصل جب تکوا جو ہے تکوا انسان کا دماغ خراب کر دے. پھر میں نے کہا تو یاد ہو تو نمازیں تو تو لوٹا دے گا, وہ حرکات کیسے لوٹائے گا جو پہلے کرتا رہا, وہ ظلم کیسے لوٹائے گا, وہ جھوٹ کیسے لوٹائے گا جو پہلے تو کرتا رہا ہے, وہ جو تو فراڈ کرتا رہا وہ کیسے لوٹائے گا. خالی نماز ہی لوٹائے گا, اس سے تو بہتر ہے کہ میاں تو والدہ سے درخواست کر تجھے دوبارہ چل. آج کے انلائٹنڈ زمانے کا ایک مشکل ایشو آیا ہے, قبالہ کی کیا حقیقت ہے, کچھ اسے جادو کہتے ہیں اور کچھ یہودیوں کا صوفی ہے. قبالہ دراصل جیسے ہمارے بہت سارے صوفیاء کے سکول ہیں, یہ جیوز کا اعلیٰ ترین سکول تصوف ہے, مگر اتنا واہیات ہے کہ مینشنے بھر نہیں. میں قبالہ کے اعلیٰ ترین بنیادی صوفی کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ میں آپ کو بس ایک جملہ اس کے بارے میں سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ ہیں, جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ آتی یہ بچڑے کے گوسالے کی پرستش کے بعد, تو کہا موسیٰ ان کو آدھی کو قتل کر جنہوں نے برست کیا آدھی کو چھوڑ دے. تو قبالہ کا صوفی پتہ کہ کہتا ہے اللہ میاں کو فضول غلط فہمی ہو گئی تھی, قوم یہود کا یہ مسئلہ نہیں تھا. اب دیکھو جو صوفی کہے کہ اللہ میاں کو غلط فہمی ہو گئی تھی, وہ کس قسم کا تصور ہوگا یہ آپ کو پتہ لگے گا. تو یہ یقین کرو کہ حضرت موسیٰ کی سٹیٹمنٹ 100% درست ہے کہ اعوذ باللہ یا لکونہ میں لگ جائے گی. ان کا بڑا صوفی
सूफी भी जा रहा है, इनका छोटा सूफी भी जा रहा है, इनका आलिम। हमारे यहाँ इंप्रेशन ये दिया जाता है ये बड़े जहीन लोग, भगवान करो आइंस्टाइन भी यहूदी था और बड़ा जहीन था, चलो उसे मैथमेटिक्स में एक इजाफत का नजरिया दे दिया। अब सवाल ये कि आप मुसलमानों में सारे के सारे डाल रहते थे, सारे के सारे, क्या मुसलमानों में कोई आलिम नहीं है, कोई दानिशवर नहीं गुजरा? तो ये कंपैरेटिवली देखो, आप कौमों के तनासब से अगर देखें तो जितने उलमा मुसलमानों ने प्रोड्यूस किए हैं, जितने दानिशवर मुसलमानों ने, उसका असर अशीर भी यहूदियों ने तख्लीक किया। और ये बिल्कुल गलत है। अगर आप प्री और पास्ट जमाने में देखो तो जितने दानिशवर ग्रीक्स ने पैदा किए उसके मुकाबले में किसी और कौम ने पैदा नहीं किए, जितने बाद में एलेक्जेंड्रियन से पैदा किए। आज भी आधी दुनिया प्लेटाइनस की अखबार पे चल रही है, तमाम तसव्वुफ की बुनियाद जो है पीछे जाते हुए अफलातीनूस के ख्याल में। अगर आप अपने मजाहब सफा तसव्वुफ को देखें तो पता लगेगा कि ये कुरान पे कायम नहीं है बल्कि अफलातून के यानी मिस्र के प्लेटाइनस के नजरिया पे है, जिसकी थ्योरी ऑफ नाइन इंटेलिजेंसेस जो है वर्क कर रही है। ये जो आप देखते हो कि ये लताइफ सफा है, हर चीज लगी हुई है, ये ऊपर जाते ऊपर ये जाते बाहर जाए बोला, ये तमाम के तमाम गैर इस्लामी इसलिए कह जाते हैं कि ये प्लेटाइनस की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसेस पे मुश्तमिल है, इसका कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है सर। मगर इससे ये मतलब नहीं कि अल्लाह के सूफिया तो कुरान के नजदीक वो लोग हैं कि जो खुदा की याद और मोहब्बत में ज्यादा कोशिश करते हैं, और असाबिकून असाबिकून है जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इखलास में, इशार में, ईमान में। और इसकी मिसाल हमें असहाब रसूल के वक्त से लेकर आज तक नजर आ रही है, मगर जब बीच में कॉन्सेप्ट आने शुरू हुए तो बड़े अजीब व गरीब जो है मंतकी, किसी ने फ्री मेसनरी से रूल लिया, किसी ने प्लेटोनिस से रूल लिया, किसी ने डायोजनीस से रूल पकड़े, किसी ने योगा से रूल पकड़े, और इस तरह मुस्लिम मिस्टिसिज्म नीचे बड़े मुगालत को शिकार हो गया। मगर अल्लाह का एहसान हो, खालिद सादा एक खरी रिसर्च का अंजाम जो है वो अल्लाह के हुजूर में। देखो ना अल्लाह, अब आप देखो कि तसव्वुफ में क्या प्रॉब्लम ये आपको पता ही नहीं कि सूफी को क्या मिलता है। आप ताकतें ढूंढ रहे हो, आपने पढ़ा हुआ है एक हिंदू के पीछे चपले पड़ गई थी, आपने पढ़ा हुआ है कि वो अली शाह का अंदर 12 साल पानी में खड़े हो गए थे, आपने पढ़ा हुआ है कि ये महले नजर हो गई थी अशिया के वजूद, किसी ने कहा तसव्वुफ वजूद होता है, किसी ने कहा तसव्वुफ कबूल होता है, किसी ने कहा चिल्लाए माकूस होता है। ये सारी बातें जो है ये इस्लामिक तसव्वुफ में नहीं थी, ये यहाँ के असरात गैर मुल्की तसव्वुफ की वजह से हमारे भी तसव्वुफ में आ गए। एक आप देखिए हमारे क्रिश्चियन भाई भी है रिलीजन में, मगर जब आप उनके तसव्वुफ को देखते हैं तो बड़ा अजीब सा नक्शा नजर आता है कि अभी मेरा ख्याल है जिनका अभी देख ही होंगे क्रिसमस पे भी उनके मजाहरात में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी है, उनको एक मराकबा एक तस्लीम हासिल हुआ, सांता सोफिया को हासिल हुआ, सांता मरिया को हासिल हुआ। ये सबसे बड़ा तजुर्बा जो है क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में, इसको मराकबा सलीम कहते हैं। वो मराकबा सलीम क्या है आपको पता है? आपके यहाँ भी कितने मराकबाती स्कूल वगैरह कायम है। तो वो क्या है कि ये एक सूफी जाता है अंदर अंदर जाके कैफियत ईसवी को अपने ऊपर मुसल्लत करता है, कोड़ों की सजा उठाता है और मसलूब होता है, उसके गले में सलीम का निशान होता है। अब ये है कि एक शख्स जब बाहर निकलता है चलने के बाद तो आप कहते हो कि ये सबसे बड़ा सेंट है क्रिश्चियन वर्ल्ड का कि ये मराकबा सलीम से निकला, मगर क्या उसको जस्टिफिकेबल करार दें? आप कुरान पढ़ो, कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वमा कातलू हु वमा सलबू, ना उसे कत्ल किया गया ना सलीम दी गई।
अगर उन्हें कत्ल भी नहीं किया गया, सलीब भी नहीं दी गई, तो ये मिस्टेक किस तजर्बे हुए? द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द मुस्लिम मिस्टेक। भाई जिस चीज का जिक्र ही नहीं, चैलेंज ऑफ तसव्वुफ में नहीं, किसी चीज में नहीं, वो अगर सूफी दावी पेश करेगा तो किस किस्म का? बोलो अब वो लोहाखंड तक जा रहा है। कोई सूफी साहब यहां बैठे हुए जिक्र करें कि हम तो रोज मक्का में होते हैं, हम तो हर वक्त वहां बैठे होते हैं काबा में, बस तुम्हारा हालचाल पूछने आ गए, अभी दोबारा फिर जाना है। और कोई साहब फरमा रहे हैं कि तरकीबें हुजूरी और वसूली है, अभी रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, हम आपको पेश कर देंगे उनकी खिदमत में। यानी इतना ज्यादा ज़हनी फरेब अल्लाह और रसूल के नाम पर वजूद आ चुका है मौजूदा सूफियाना मशरक में कि उसको बड़ा अमर महान है कि कोई चीज आपको खुदा की तरफ लेके जाए। अल्लाह बहुत सादगी है, बहुत इंतहाई प्यार करने वाला, आखिर अपने बंदों से क्यों गुरेज करे? और फिर ये काम की सिफत है कि आपको अल्लाह मिल रहा हो मोहब्बत से, नरमी से, आप पीर के पीछे पड़े हो। भाई पीर का मतलब पता क्या था आपको? भाई एक आदमी जाता था, किसी ने सुना फला साहब अल्लाह को जानते, वो गया, उसने कहा मैं आपके हाथ पर बैठ करता हूँ, मुझे आप जिस अल्लाह को आप जानते हैं खुदा रसीदा में आप, तो मुझे भी अल्लाह का रास्ता चुका दो। उन्हें कहा क्या देता है? मैं क्या देता? उन्हें कहा जान देता, जितना जज्बा उतना। उन्हें कहा हजरत जान ले लो, जिंदगी ले, मुझे इतनी मोहब्बत है वो है अपने अल्लाह से है कि मैं अगर मर कर भी एक लम्हा के लिए इरफान जाते खुदा पालू तो मैं उसके लिए तो चिश्तिया क्या कर। उनका जी आओ, मगर एक शर्त है, कुर्बानी थोड़ी सी देनी पड़े। मुझे वो क्या? फिर वो उन्होंने बोला ताहरा आओ सर बनाना पड़े। ये तुमने हसीन बाल जमा की हुए ना, जो नक्शकारी की हुई है, छह किस्म की क्रीमें मुंह पर मली हुई है, ये हटानी पड़े, ये नार्सिसिज्म खत्म करना पड़ेगा। खुद पसंदी की पहली जरूरत जो है ना, ये तुम्हारे बालों से शुरू कटवाओ। ठीक है कटवा लेते। अब चिश्तिया ने ये शर्त लाजिम नहीं थी, ये उस शख्स के लिए भाई अगर आप चाहो तो बैठ पे आप मार जाओ, थोड़ी सी सैक्रीफाइस कर लो, मगर ये तसव्वुफ का नहीं, जाके जरूर सर कटवा के आपको अल्लाह मिलना, ये कतर नहीं था। हाफिज सिराज ने क्या कहा आपको पता है? हजार लोग का बारीक तर्ज मुंजास, हजार नुकताए बारीक तर्ज मुंजास के इस तसव्वुफ में हजारों और लाखों मसाइल ऐसे हैं जो बार से बारीक हैं। नहर के सर में दरौशत कलंदर इदानत, इतने बारीक हो गए, हर आदमी जो सर मुंह डाले कलंदर नहीं होता, समझे ना? खबरदारी रखनी पड़ेगी, हर सिर मुंडे को कलंदर न समझे। फिर इकबाल कलंदर था, तो इकबाल ने दावतन का बयो पे मजलस है इकबाल को यह को साल कश, आओ ना इकबाल भी तो बेचारा बैठा हुआ है, मैं भी तो सरे राह हूं ना, आओ मेरी तरफ आओ ना। बयो पे मजलस है इकबाल और यह को साल कश, एक दो जाम हमसे भी पियो ना, अगर सर में तराशर कलंदर इदाना, अगर मैंने नहीं बाल मुंडाए मगर मैं कलंदर ही जानता हूं तो मेरी तरफ आ जाओ। खातिम हजरात, ये हमारी तलाश नहीं है, हमने क्वालिफाई करना है अल्लाह की तलाश। किसी ने बायजीद गोस्ताम से पूछा कि क्या चक्कर हुआ मियां, अल्लाह के साथ रसाई कैसे हुई? फरमाया कि मैंने 40 वर्ष खुदा को तलाश किया, जब मैंने उसे पाया तो मुझे मालूम हुआ कि वो मुझसे पहले मेरी तलाश करता। ये फैक्ट है,
फैक्ट ये है कि वो तुमसे पहले तुम्हारी बुला है। कुन तो कमजन माफिया मैं छुपा हुआ बेबहा खजाना आलो रफा चाह के जाना जा बड़े इर्द के जो मखलूक थी जाहिलाना पट्टेबाज रोब से कांपती हुई देख रहे थे जिधर गया इबादत हो रही है सर टेके जा रहे हैं एक इशारे पे कायनात बदल रही है गाय जमीन और आसमान मर्जी से आते हो कि हुक्म से उनका सरकार हम अपनी मर्जी से यानी कोई जमालात हजरात शजरात कोई दुनिया की और कायनात की ऐसी चीज नहीं थी हुक्म के पाबंद है अल्लाह को बड़ी हसरत जाओ हसरत बाद लोगों हसरत है मेरा ख्याल ये था कोई रियली पहचानेगा मुझे कोई मुझे दाद देगा कोई मेरे मेरे सिफतें कारीगरी देखेगा कोई मुझे असली खुदा समझेगा कोई मोहब्बत से खुदा जाहिर है जिससे इतना बड़े खतरा के आलम से अगर मोहब्बत ना हो तो किससे होती है तो यार मैंने क्या किया इस नलायक को इस इंसान को अरे हजरत इंसान तेरी तखलीक का तो मकसद ये था फखलक तक खाला खा ले यार मैंने तो मखलूक को इस इंसान को पहले ही इसलिए किया कि इसका मुझसे तारुफ हो जाए ये देखे सुने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अक्ल ने फैसले दिए और सिर्फ इस ख्याल से ये पुकार उठेगा कि अल्लाह हमने तेरे आसार देखे शवाहत देखे हम शहादत देते हैं कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। किबला प्रोफेसर साहब अगर इल्म का मतलब इतला की मुंतकली है तो मैं एक खुशकुन इल्म आपको दे दूं कि आपकी फ्लाइट 1.5 घंटा डिले हो गई। ये मैं दुआ कर रहा था इसमें हमारे लिए खुशकुन उम्मीद है कि हम ये सेशन थोड़ा सा 15 मिनट नहीं अगर आप अपने शेड्यूल बरकरार रखे मैंने 1.5 घंटा आपके लिए भी बाजार जाने के लिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 7 वी सी 7 स्काई 7 प्लीज एक्सप्लेन। ये पैटर्न्स हैं अल्लाह ने बहुत सारी चीजें बहुत सारी किसी का हमला तलाश का कुछ और अंदाजा कहीं आठ का हिंसा तमाम हिंसे अपने अपने काम में लगा अल्लाह ने जब मखलूक पैदा की लैंग्वेज पैदा की हिंसे पैदा किए तो तमाम हिंसों को अपने अपने काम में लगा किसी को अकम्पलिश वर्क को 9 पे लगा दिया हाफ पे किसी को 8 पे लगा दिया जैसे हमारा हमलानी अर्शला थे किसी को 19 पे लगा दिया डबल फिगर पे जैसे जन्नत और जहन्नुम में लगा था 9 फिर 1 हो गया किसी को 1 की सिफत बख्शी किसी पे 2 फरिश्ते लगा दिए बहुत सारी चीजों में सिर्फ 2 फरिश्ते इधर उधर 2 है हिफाजत पे 2 है और कबर में 2 है तो तमाम गिनतियों को अलग अलग काम और मंसर पे लगा दिया 7 के अदद को कायनाती तनाजर में इस्तेमाल किया 7 जमीनें लगाई 7 आसमान बनाए और ये इसलिए 7 बनाए प्रैक्टिकली 7 दिन रख दिए और ये जैसे ये देखो ये कायनाती मेजर्स है ये ज्यादातर 7 का जो हमें बिल्कुल वाजे कुरान में सुंदर हो अल्लाह अल्लज़ी खलकुम जमीअ सुमस्तवा समाय वसवा सवा समावत वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम और फिर कहा कि अल्लाह अल्लज़ी खलक सबा समावात व मिनल अर्ज़ मिस्लहुन कि हमने 7 आसमान तख्लीक किए और 7 जमीनें तो ज्यादातर 7 का अदद जो है कायनाती तख्लीकात के तनाजुर में इस्तेमाल हुआ है देयर इज नो सच स्पेशलिटी के मैं ये कहूँ कि 1 का अदद भी इस्तेमाल हुआ 7 का हुआ है 2 का नहीं हुआ सारे अदद इस्तेमाल हुए हैं मगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट्स के लिए इस्तेमाल हुए। सर एक साहिब जानने के लिए मुस्तरिब हैं कि अगर फरिश्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये क्यों कहा कि इंसान जमीन में फसा विजन्स
देखो ना एक आम आदमी विजुअल्स तो थे ना, देख तो रहे थे ना, थोड़ा सा थोड़ा इख्तलाफ है ना मुख्तलिफ सीरत में या जो कुरान के मुफस्सरीन ने इसको उनके अंदाजे पे मुश्तमिल किया, ऐसा नहीं है। एंजल्स कुड नॉट सी फॉरवर्ड नाउ, उनको ऐसी डेस्टिनी का पता था, अगर पता होता तो यहाँ इन हरूफ की माहियत को भी जान लेते जो अल्लाह ने कलाम दिया था। एक्चुअली उसमें ये था कि ये एक स्पेसिफिक नॉलेज के तहत हम अभी अभी कंप्यूटर में देखें, हमारा जवाब भी कंप्यूटर है। फर्ज करो मैं आप सबसे पूछूं कि व्हाट इज द ईयर ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, कि जंग प्लासी कौन से सन में हुई या अर्मेडा किस सन में लड़ेगी, तो आप कहेंगे यार मैंने तो पढ़ाई नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं, मुझे क्या पता। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कांग्रेस में हम किसी लोग की नाई से क्वेश्चन करेंगे यार सुकरात ने तेरे बारे में क्या कहा होगा, यार मुझे क्या पता, मुझे तो अपने कपड़े धोने दो। तो ये जिस जो हमारे कंप्यूटर्स हैं इनका बसा भी यही है कि अगर तो हमने इनकी मेमोरी में कोई चीज रख दी है तो जरूरत के वक्त हमें जवाब दे देंगे। अब होता गैब क्या है, चलिए मैं इस जमन में आपको थोड़ी सी बातें बता रहे हैं। गैब क्या हो सकता है आपका ख्याल, गैब होता है जमान व मकान के साथ वर्षा का इंफॉर्मेशन के साथ गैब। एक आदमी कहता है कि आपको पता है कल क्या होने वाला है, वो कहते नहीं मुझे तो नहीं पता। एक आदमी कहता है मुझे पता है कल क्या होने वाला है, वो किस बुनियाद पे पता है, तो देखो यार मेरी मौसम पेशन बुनियाद पड़ी कल बारिश हो। एक आदमी ने वो मौसम पेशन बुनियाद नहीं पड़ी। अब सवाल यह है कि इंफॉर्मेशन की सोर्सेज क्या है और कहां कहां से मिल रही है। फर्ज कीजिए एक शख्स ने 5000 किताबें पढ़ी हैं, एक ने 6000 पढ़ी हैं, 5000 तक तो दोनों की टसल बराबर होगी, कोट तर कोट ये हो रहा है झगड़ा। तो कभी आपने कहा टीवी में शेर व शायरी का मुकाबला होता है, पिछले आखिरी अदब से शुरू करो, तो जिसकी मेमोरी ज्यादा है वो आखिरी अदब से शुरू करता जाएगा। एक स्टेज आएगी कि उसकी मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, आगे मुझे नहीं आया। गैर भी यही है कि इंफॉर्मेशन शहादत दोनों की अगर 5000 किताबों तक है तो दोनों शहादत में, मगर कोई 6000 की किताब शुरू होगी तो एक आदमी गैर में चला जाएगा, एक शहादत में चला जाएगा। तो ये वेरिएबल असेसमेंट है वो हजूर की, मगर चलते चलते इस इंफॉर्मेशन पर हम चलते चलते बिल आखिर सिर्फ एक गैब पर पहुंच गए, सिर्फ एक गैब, वो अल्लाह हो। देयर इज नो अदर गैब, सो अल्लाह जो है वो वाहिद गैब है जो इस पूरी कायनात में, यानी कहीं ना किसी किसी न किसी इंसान की विटनेस मौजूद होती है। जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है, अशिया क्या है, मुस्तकबिल क्या है, कहीं ना कहीं कोई विटनेस मौजूद होती है मगर सवाय अल्लाह के। और यही वजह थी कि अल्लाह ने अपनी जात पर एक फर्द वाहिद को विटनेस मुकर्रर किया और हुजूर इकरामी मर्तबत को शाहिद और नजीर कहा, क्योंकि अल्लाह के और कोई विटनेस नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं अल्लाह के रसूल से पूछता हूँ कि आपको गैब है, उनसे पूछू कि आपको गैब कहीं में है तो कहीं मुझे तो नहीं है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिसने अल्लाह को देखा हुआ है उसके पास और गैब कौन सा चाहिए। तो मसला तो ये पैदा, मसला तो ये है कि अल्लाह के सिवा क्या चीज गैब है जिसको जिस पर आपने शहादत देनी है। अगर जब नबी उम्मी को उम्मी कहा गया तो क्यों कहा गया, ये तो नहीं कि वो अनपढ़ थे। और आपने पहले वहां कौन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खुली हुई थी जो सर्टिफिकेट देती पीती थी, कौन सा कॉलेज खुला हुआ था जिससे हुजूर ने डिग्री लेनी थी। भाई इसलिए कहा गया कि सारी दुनिया की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद थी। अब चूंकि देखो एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, एक उस्ताद को पता है कि इनकी तालीमें फला हासिल फसल थे ईसा अलैहिस्सलाम में, पूरा खानदान पैगंबरों का चला आ रहा था इसराइल का, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शामिल हो जाती है ना बीच में। इसी तरह हजरत मूसा और हजरत इसहाक है, एक
ट्रेडिशन ऑफ ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन तो चली आ रही है। अल्लाह ने अपने नबी को हसद कर दिया था इंफॉर्मेशन से। अगर आपने कुरान पढ़ा तो जैसे हजरत यहया को कहा कि सैयदन व हसूरन मिन बनी इसराइल, हमने इसको सरदार को बनाया मगर हसद कर, खवातीन पे हसद। हालांकि सलोमी ने जो बादशाह वक्त की खातून थी बेतहाशा कोशिश की कि यहया उसकी तरफ थोड़े से मशगूल हो जाए, मगर वो तो बेचारे क्या होते, वो तो हसन कर दिए गए थे। तो सलोमी को कत्ल कराना पड़ा यहया को, और जब कत्ल करा गए हजरत यहया का, उसने गर्दन माजल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरवा ली तो उनको बोसा देती थी और कहती थी ऐ मगरूर शख्स, अपनी तुझे जोर है कि तुझे मैं तुझे चाहूं और तू मुझे रोक दे, हसन लोग। अब उसने हजरत यहया को तो प्रॉब्लम नहीं था, ही वाज टेकन। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसन कर दिया कि कोई इंफॉर्मेशन मेरे इस पैगंबर के इंफॉर्मेशन में दाखिल ना हो, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन अल्लाह ने ही क्रिएटेड वन ऑफ द रेयर स्टूडेंट्स। अब जिस शख्स की अव्वल और आखिर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अल्लाह की तरफ से आ रहे हो, उससे मैं क्या पूछूं कि तुझे कितना गायब हासिल और कितना हानि। वमा यंतिक अनिल हवा, वो तो कोई बात, वो तो कोई बात भी अल्लाह के बगैर नहीं कह रहे। एक एक लफ्ज, एक एक इत्तला, एक एक शय। अब मैं आपको मजे की बात ना, हुजूर ने एक दफा कहा एक हदीस, मैं बड़ा हैरान होता कि बहुत मुश्किल है कि आप अपने पैगंबर के इंटेलेक्चुअल जो मयार को हिफाजत कर सकते। हम तो अपने नबी का ज़हनी मयार नहीं जानते, हम हमारे पास वो मेथडोलॉजी नहीं है कि उस इल्म का सुराग लगा सके कि जो हुजूर को हासिल था। पता है आज की दुनिया से पता लगता है उनको क्या इल्म हासिल था। मैं पूछा इब्ने रज़ीक ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कायनात बनाने से पहले क्या कर रहा, ये सवाल कौन आज पूछ सकता। आजकल ये क्वेश्चन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पूछा था, ये क्वेश्चन आला तरीन कॉस्मोलॉजिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट वाज देयर बिफोर बिग बैंग, इस बार और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था तखलीकात जमान और मकान से पहले, क्या था आखिर, अल्लाह उस वक्त क्या कर रहा था जब कायनात नहीं थी, सितारे नहीं थे, आसमान नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो किसी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कायनात बनाने से पहले अल्लाह कहां से, फरमाया कान फी अमाल तहतहू हवा व मा फौकहू हवा, कि अल्लाह बादलों में था। कायनात बनाने से पहले अल्लाह बादलों में था, उसके ऊपर भी हवा थी, उसके नीचे भी हवा। आपको पता है एक ही मुत्तफिक फैसले पे सारी दुनिया के कॉस्मोलॉजिस्ट और फिजिस्ट पहुंचे हैं कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, इन तमाम सितारों से पहले इंतहाई गहरे ह्यूज बादल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशनल बादल थे इन कायनात की तख्लीक से पहले। कभी आपने देखा कि प्रॉफिट की स्टेटमेंट उसी आखिरी हद को जा रही है कि काफी अमाय के वो बादलों में थे, तख्लीक कायनात से पहले वो बादलों। तो ये बड़ा मुश्किल है समझना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंफॉर्मेशन क्या और कहां तक रसाई या फिक्र। तो एक सूफी ने कहा दो चीजों की मुझे कभी समझ नहीं आई, एक तो नफस के फरेब कितने हैं, एक मेरे रसूल के मकामात कितने, दोनों चीजों की समझ। सर एक टीनेजर
بچے نے بڑے معصومیت سے سوال پوچھا ہے کہ آج کے اس میڈیا انفلوئنسڈ ورلڈ میں نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ محبت یار اور کچھ نہیں چاہیے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ہے کہ پتا آپ کے مخالف کیا کر رہے ہیں, آپ کے دشمن کیا کر رہے ہیں, آپ کے باہر والے کیا کر رہے ہیں, فیس بک والے کیا کر رہے ہیں. صرف ایک کام کے پیچھے لگے ہوئے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور اس کا جواب یہ نہیں کہ آپ بندے مارتے پھرو, بلکہ آپ اپنے رسول سے جتنی بھی محبت محسوس کر سکتے ہو کرو. نہ صرف بدنی ناطے خالی نہیں بڑھے, زلف و رخسار سے کچھ آگے بڑھو اور صفات رسول کی بھی کوئی فکر کرو. کوئی ایک آدھ سے بد تو اپنے اندر آپ بھی پیدا کر لو. کچھ لوگ کہہ سکے کہ میں نے بھی آقا اور رسول کی مطابقت میں اپنی غیر انسانی جبلتوں میں ایک الہیاتی صفت کا اضافہ کیا. کچھ تو کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا, آپ کو بتایا جملہ شاید آپ کو چونکار ہے مگر میں سمجھتا ہوں شرک ایک نہیں دو ہے. ایک شرک اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا شرک, مگر اللہ کے رسول کی محبت میں بھی کسی کو شریک کرنا شرک. آپ نے فرمایا اے لوگو ایمان کی حلاوت جانتے ہو کیا ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کو اس طرح مان, اس طرح مان کہ اس کے بعد اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر. یہ ایمان کی پہلی حلاوت ہے. اور پھر فرمایا مجھ سے ایسی محبت رکھ کہ تیرے نفس جان و مال سب سے بڑھ کر ہو, اور اس محبت میں بھی شرکت آپ کو وہی پہنچا دیتی ہے پہلے شرکت. اور پھر فرمایا کہ ایمان کی حلاوت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ جب ایک دفعہ تجھے ایمان حاصل ہو جائے تو پھر بے ایمانی کو شرک کو پلٹنے کا اتنا برا سمجھے جتنا کسی سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈال. تو خادم حضرات یہ تو دیکھو آپ کو پتا ہے خود بہت الوداع والے دن. ابھی آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتاؤں, کیا حضور نے فرمایا دیکھو آپ کو کتنے فتوے جاری کرتے ہیں آم مکان نہ جائے نانا, مگر ہم پہ تو فتویٰ رسول اللہ جاری فرما. خطبہ الوداع والے دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب آج کے دن کے بعد شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا. کیا مطلب؟ آج کے دن کے بعد امت محمد رسول اللہ کبھی شرک نہیں کرے, کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے. یہ مشرک کو روک آج ہم ایک دوسرے کو کافر کا ہے بناتے رہتے ہیں. بھائی آج بھی اگر باہر فقہ کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ باہر وہ یہ ہوگا کہ کسی بھی مسلمان کو آپ نے مشرک کو کافر ڈکلیئر کرنے ہیں اس کے خدا کو پوچھو تو صحیح خدا کتنے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ایک ہے تو پھر آپ کیوں بگڑتے پھرتے ہو؟ کیوں دورہ جانی شرک اس کے نام پہ لگاتے ہو؟ کیوں اسے کافر قرار دینے میں تلے ہوئے ہو؟ اگر کسی چیز سے اختلاف ہوتا لیٹ ہم گو اہیڈ, میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں وہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے, چلو اسی منزل پہ. جج آگے بیٹھا ہوا, فیصلہ کرنے والی ذات آگے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ ہی تو فیصلہ کر. تو بھائی صاحب ادھر لڑائی مار لڑائی کے فائدے کو نظر آتے جاؤ آگے چلے جاؤ. آگے وہ بیٹھا ہوا ہے منصف, وہ تمہیں بتا دے گا کون غلط ہے کون صحیح ہے. مگر اتنی بات ضرور ہے یہ سن لو, آپ حدیث سے رسول ہے اللہ سختی سے دیتا نہیں, اللہ سختی سے نہیں دیتا, اللہ نرمی سے دیتا. فرمایا نرمی جس چیز میں داخل ہو جائے وہ خوبصورت ہو, جس چیز سے نرمی نکل جائے وہ بچ. سوالات
ساکت ہو گئے. لیکن اس میں کا آخری سوال پوچھتے ہیں, اس کے بعد درخواست کرتے ہیں کھانے کی بریک کرتے ہیں. یہ حالانکہ یہ سوال پہلے پوچھا جا چکا ہے اور اس پہ قبلہ محمد صاحب کا ایک پورا لیکچر بھی ہے, لیکن آج کے زمانے کے تناظر میں اس طرح سوال کو دوبارہ پوچھا جا رہا ہے. حضرت امام مہدی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کے ظہور ہونے کا وقت قریب ہے؟ اچھا یار, آپ جذباتی رومینٹک سے لوگ ہو, جب تصور میں بھی آتا ہے نا, پتا نہیں آپ کے ذہن میں کیا کچھ آ جائے. تو بات یہ ہے, لیٹس گیس ہے, میرے ساتھ آپ سوچ رہے ہو, میں ٹھیک کون ہو سکتا؟ میں بھی ایک بار شریف آدمی, بڑا نیک آدمی, میں بھی کوئی صفت مجھے نظر آتی ہے نا, میرے کو بولو اٹھے انہوں نے اصلاح مذہب کا نام لے, اخوان المسلم آئے, تاریخ محمد جی آئے, انڈونیشیا میں اٹھی, ترکی سے نکلے, کوئی ہوئی ہوئی سے نکلے, الجزائر میں لیبیا سے, پاکستان سے مرد بنا, تو کبھی جماعت اسلامی اٹھی, کبھی تحریک اسلامی اٹھی, کبھی دوسری آرگنائزیشن اٹھی, ادھر سے اٹھے ادھر سے اٹھے, بے شمار تحریک. آپ کیوں اٹھ رہے ہو؟ انقلاب اسلام ہے, غلبہ اسلام. بس تمہیں کہا کس نے؟ پوچھو تم سے کہا کس نے؟ بولے بھائی یہ تو مجبوری کی بات ہے. ایک بندہ تھا, وہ بڑا قوم عالم, بڑے زبردست تھے, فلانا مصر کی 300 برس کی حکومت تھی, رامسس فرسٹ گزرا, احرام بیٹ کیے, اللہ نے بیٹا نہیں کیے کہ یہ ذیل اوتاد ہے, بڑے لوگ تھے. اسے اللہ نے, مجھے کیا پتا, وہ ہو جاتا پسند ہوئی ہوگی, فرمایا آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ قوم عالم کو رسوا کرے, ہم نے فیصلہ کیا. خدا نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ قوم عالم کو رسوا کرے. چلے موسیٰ اٹھ, تو جا اور مرانا مصر کو رسوا کرے. کہا یا اللہ, تو نے ہمیں بروا دے گا, میں تو آگے قتل کیا ہوا ہے, میں تو مصیبت میں ہوں, مجھے تو وہ چیز جانتے ہی چڑھا دیں گے سولی پر, تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ گھبرائے ڈرے, میں نے کہا موسیٰ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. اب بیچارے موسیٰ کیا کرتے, چالتے نہ چالتے ہوئے فرعون مصر کے پاس پہنچے, جو کچھ آگے ہوا آپ کو پتا ہے. پھر نیل پہ غرق ہوا قوم موسیٰ کو, قوم عالم موسیٰ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ساری چیز میں فرق کام پڑا, فرق پتا آپ کو کام پڑا؟ اے موسیٰ اٹھ جا, میں تو نہیں جا سکتا ہوں, میں نے قتل کیا ہوا ہے, میں ڈرتا ہوں. کہا موسیٰ ہوں تمہارے ساتھ ہوں. سب سے بڑی جو چینج حقائق میں آتی, بلیک سے پوچھو یار تمہیں کہاں سے گارنٹی ملی ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے؟ تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو, ہر دوسرے مسلمان کے پیچھے لاٹھی لے کے لگے ہوئے ہو, یہ جو تم کہہ رہے اپنے آپ کو جنتی اور دوسروں کو یہ ڈکلیئر کر رہے, دیر از اے کوشچن ٹو آسک اینی مسلم آرگنائزیشن, بھائی آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کس نے کہا ہو کیا تو براہ راست آرڈر آیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا جس کے ساتھ ہوگا وہ بیٹھے, جب کسی آدمی کو اللہ کہے نا اٹھ بھائی اب ملت اسلامیہ کے میں تنگ آ گیا ہوں, اب مسلمان کو تو زیردستی سے بالا دستی کو لے جا اور تو ریسریکٹ کرو مت مسلمان کو, جس کے ساتھ خدا ہوگا وہ مہدی ہے, جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ ملا ہے, مولوی ہے. سمجھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ مہدی کب آئے گا؟ مہدی کب آئے؟ فرمایا جب تمہارا حال یہ ہو جائے گا نا, جیسے کوئی نئی نویلی دلہن ہو, تازہ شادی ہوئی ہو, خاوند ابھی آیا نہ ہو, وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے اجلے عروسی میں, دل دھڑ دھڑ کر رہا ہے خوف کے مارے, پتہ نہیں کیسا نکلے گا, خبیث نکلے گا, اچھا نکلے گا, مروت والا نکلے گا, پریشان کرے گا زندگی پر, کچھ رزق دے گا نفر. تو جب اس نئی نویلی دلہن کی مینٹل کیفیات تمہاری ہو جائیں گی تو بیٹھ گیا. مگر خادم حضرات میں ایک شریف آدمی, بس
और बुखारी ने एक जुमला मेहदी के बारे में लिखा है और बड़ा सही लिखा है कि जमाने आखिर में मुसलमानों के गिरोह का सरदार एक नेक मुसलमान, अल्लाह उसके साथ होगा, उसे ताईद रब्बानी और इज्जती हासिल होगी, उसी की वजह से उसे गलबा हासिल होगा, वही फातह आलम मग़रिब व मशरिक है, वही मेहदी है, वही आखिर जमानी है। वो कब है? करीब लगता है, इट्स वेरी क्लोज। अब मामलात हदीस रसूल की तरह चल रहे हैं, फरमाया पिंडों की तरह, पिंडों की पिंडों फारा पिंस, एक के बाद दूसरे। एक वेस्टर्न ने कहा नोबडी नोज व्हेन द ग्रेट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट्स, इसलिए कल अभी जॉर्जिया पे शुरू होने वाले थे, रुक गया, आने वाले अभी ईरान से शुरू, कल अभी देखो तो तुर्की और इसराइल की वो रुक गई है, थोड़ी देर के लिए रुकी है। ईरान में आज स्टेटमेंट है बोलन का कि हम छोड़ेंगे नहीं दबाव वगैरह, रुक गई है। तो कब तक रुके? बकरी की मां कब तक खैर मनाए? हम तो सब बकरे हैं, और जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, तबाही और हलाकत का वो मंजर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में नुमाया है और फरमाया, और इस हदीस को जो मैं कोट कर रहा हूं, इस हदीस को असहाबे रसूल हदीस नहीं समझते थे, मोजज़ा रसूल समझते। इस जो अभी मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, इसको असहाबे रसूल मोजज़ा रसूल समझते। फरमाया क्या हाल होगा तुम्हारा जब तुम फारस के महलात पर कब्जा करो, और ऐसा जब तुझे कसरा के कंगन पहना पहना चाहिए। हुज़ूर उस वक्त जिंदा है, कसरा पता नहीं हुआ, ईरानियन एम्पायर यजदगर कभी जीवार पसीर नहीं हुआ, क्या खुसरो मरा था, ईरानियन एम्पायर कायम थी। और क्या हाल होगा तो जब तुम सल्तनत रोमा पे गालिब पाओ, और तुम उनके उमरा को कैद करो, और फिर वो वक्त आएगा कि मेरी उम्मत एक फितना है दरमियान के ढाल जैसे चेहरे वाले और चमड़े के तस्मे वाले जूतों वालों से तुम्हारी जंग होगी, और मेरी उम्मत उस पर गालिब आएगी। फिर जमाने आखिर में मेरी उम्मत दज्जाल से जंग लड़ेगी और उस पर गालिब आएगी। तीन निकल गए ना, सच्चे सच्चे निकल, चार पेशन हो गए ना, इसलिए इसको मोजज़ा रसूल कहते हैं। कसरा का फाल हो चुका, सल्तनत रोमा खाबो खयाल हो चुकी, बंगोल अटैक्स खत्म हो गए, मारका यानी जालूत गुजर गया, अब रह गया आखिरी और दर्जा, और फरमा मेरी उम्मत दर्जान पे गालिब आए। इससे बड़ी क्या खुशखबरी चाहिए? यही वो वक्त है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक और छोटी सी बात भी आपने फरमाई, हजार में से एक बंदा बचेगा, मैं सबको अपनी अपनी बिरादरियों से एक नामजद करने में चाहिए, 999 मरेंगे, एक बचेगा। तो असहाब भी परेशान होंगे, या रसूलल्लाह ये तो बहुत हौलनाक खबर है। फरमाया जो 999 होंगे वो याजूज जो माजूज में से ये साथ है ना, ये बनो याफ़ूस के साथ, ये चाइनीज है क्या, ये याजूज मर गए। आपने फरमाया याजूज हर चीज चट कर गए, कुत्ते बिल्लियां चूहे सब साफ कर गए, सब कुछ साफ कर गए। ये खबरदार भी है ना कि इन स्टेट्स को जाते हुए खाने से पहले पूछ लेना कि किस चीज का शोर था। कल मैं भी डर रहा था, मेरे दोस्त था, मैंने वहां पर पूछा नहीं था, तुम्हारे किसी हलाल चीज का ही होगा, तो इनका कोई पता नहीं है,
कि ये कोई चीज जमीन पे रिंगने वाली कोई चीज नहीं छोड़ती, कोई चीज जिस पे जरा बराबर मास मौजूद है नहीं छोड़ती। यही कॉमन जादू अभी निकले लंबा आखिर में, और इंशाअल्लाह ताला अजीज अल्लाह बी वेरी काइंड टू यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आपने यू हैव हेल्प्ड मी सो लॉन्ग एंड सो पेशेंटली, माय थॉल ऑब्लिगेशंस। अल्लाह आपको खैर वाफियत से रखे, अल्लाह इस शहर पे सकीनत और बरकत नाज़िल फरमाए, अमन अता फरमाए, और लोगों की जानो माल को एक दूसरे से महफूज रखे, और परवरदिगार इंसाफ करने वालों को पार कर दे, और इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अबाउट टू थ्री इयर्स आफ्टर दिस कंट्री इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन इकोनॉमी एंड इन आर्मीज एंड इट विल बी द सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, और हजूर की वो हदीस पूरी होगी कि अहले हिंद के मुसलमान पहले अहले कुफ्र हिंद से जंग लड़ेंगे और उनकी उमरा और उसरा को गिरफ्तार करेंगे, और फिर शाम में मरियम के बेटे का साथ देंगे। वमा अलैना इल्ला बलाग। सब तशफ़ुअ के तमाम इज़हार इस तारीख तशरीफात बिल्कुल पेश हैं, इसलिए मैं सिर्फ तहस कहूंगा शुक्रिया सर एक महफिल के लिए और इस शहर के लिए और तमाम लोगों के बरकत के लिए इस्तेमाल हुआ। यार मरानी यार मरानी यार मरानी या जर जलाल वल इकराम या जर जलाल वल इकराम या जर जलाल वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह मैं नासरो कभी हम ना काम कर लो अला हद समद लजी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह मैं नासरो कभी हम ना लकल हमद ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله هو الله هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم دعاء शुरू का मजलिस खाना खाए बता है बकूर दाम देता हूँ।